आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने गैस चूल्हे में धीमी आंच को कैसे तेज करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गैस चूल्हे का जो छोटा वाला बर्नर है उसमें बहुत धीमी आंच में आग जल रही है, जबकि ये जो बड़ा वाला बर्नर है इसमें जो आग जल रही है वो तेज़ी में जल रही है। जो छोटा वाला बर्नर है उसमें आग धीमी है, मैं मानता हूँ उसमें आग धीमी होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतनी धीमी होती है, इससे और तेज़ जलता है, लेकिन इसमें बहुत धीमा जल रहा है। तो आज हम लोग इस छोटे वाले बर्नर की आँच को हम लोग तेज़ करेंगे। तो चलिए अभी हम आग को बुझा देते हैं, उसके बाद ये जो ऊपर में बेस रखा गया है इसको हटा लेंगे, उसके बाद ये जो बर्नर है इसको भी हटा लेंगे। ये सब हटाने के बाद हम क्या करेंगे, गैस चूल्हे को उल्टा कर देंगे। अब देखिए ये छोटे वाले बर्नर का पाइप है, ये जो छोटे वाले बर्नर का होज है, इस होज को हम क्या करेंगे यहाँ से निकाल देंगे। और इसको निकालने के लिए यहाँ देखिए एक नट की सहायता से कसा गया है, तो हम इस नट को इस प्लास की मदद से खोल देंगे, उसके बाद इस होज को हम निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट मैं इसको खोल लेता हूँ और खोल के और इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस होज के अंदर बहुत सारे जंग लग गए हैं, तो इस पूरे जंग को हम क्या करेंगे अच्छे प्रकार से साफ करके निकाल देंगे। और इसके अलावा ये जो देखिए निपुल लगा हुआ है, इस निपुल को हम प्लास की मदद से खोल के बाहर निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि इस निपुल में कुछ फंसा तो नहीं है। देखिए इस निपुल को जब भी आप खोलते हैं बहुत ही ध्यान से खोलिए, क्योंकि यदि एक बार इसके अंदर ये निपुल टूट जाता है तो ये पूरा पाइप खराब हो जाएगा, ये पूरे पाइप को आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए और बहुत ही आराम से इसको निकालिए, और इसको टाइट करते टाइम भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि उसमें टूट जाए, हिसाब से ही उसको टाइट करना है। अब देखिए ये जो नीडल है इसमें जो छेदा है ये बहुत पतला है, और हो सकता है इसमें कुछ फंसा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे एक तार लेंगे और उस तार को क्या करेंगे इस नीडल के होल में डाल के और थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे, तो इस निपुल में जो भी कुछ फंसा होगा वो बाहर भी निकल जाएगा, और थोड़ा सा तार इसमें और रगड़ देंगे तो ये निपुल जो है अच्छे प्रकार से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए इस निपुल को हम फटाफट साफ कर लेते हैं। अब देखिए हमारे इस निपुल का जो होल है वो अच्छे प्रकार से साफ हो गया है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ कचरा फंसा हुआ था इसको भी हमने निकाल दिया है। यहाँ पर आप लोग गौर से देख सकते हैं इस निपुल में आर पार होल दिखाई दे रहा है, यानी अच्छे प्रकार से निपुल साफ हो गया है। अब चलिए हम इसको गैस चूल्हा का जो लोहे वाला पाइप है उसमें हम सही से इसमें फिट कर देते हैं, और इस बात का आप ध्यान दीजिए कि ज़्यादा टाइट ना हो। यहाँ देखिए हमने इस पाइप में निपुल को सही प्रकार से टाइट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे इस होज को भी अच्छे प्रकार से साफ कर लेते हैं, और इसको साफ करने के लिए आप चाहें तो लोहे का कोई सरिया ले सकते हैं जो पतला सा हो और इसके अंदर आर पार जा सके। देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पर पेचकश की सहायता से ही इसको साफ करूँगा। देखिए इस प्रकार से अच्छे से साफ कर लीजिए, और इसके होज को भी अच्छे प्रकार से साफ कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत दिनों से नहीं खुला था इसलिए इसके अंदर बहुत सारे जंग लग गए हैं, तो इसके अंदर जो भी जंग है इसको हमें अच्छे प्रकार से साफ करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरे होज को हमने अच्छे प्रकार से साफ कर लिया है, यहाँ देखिए इसके अंदर से बहुत सारा जंग निकला है। अब चलिए इस होज को हम सेम उसी जगह पे फिट कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से लगाने के बाद ये जो छोटा वाला नट है इसको हम सही प्रकार से टाइट कर देंगे, इसको हम प्लास के सहायता से अच्छे प्रकार से टाइट कर लेंगे ताकि ये खुलकर नीचे न गिर जाए। तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम गैस चूल्हा को सीधा कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे गैस चूल्हा का बर्नर सही प्रकार से फिट कर देंगे, और उसके बाद ये जो बेस है इसके बेस को हम सही जगह पर फिट कर देंगे। देखिए सही प्रकार से हमने बेस को और बर्नर को दोनों को फिट कर लिया है। चलिए अब हम इसको जला के देखते हैं तेज हुआ है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो छोटे वाले बर्नर में बहुत धीमा आग जल रहा था, देखिए अभी अच्छे प्रकार से तेज हो गया है। तो आप भी इसी प्रकार से अपने गैस चूल्हे के धीमी आंच को तेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जुगाड़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।